हालात यहाँ बन जाएंगे कि लोगों ने खुद कानून अपने हाथ में लेना है और ड्रग्स का ये धंधा काम करने वाले लोगों को घर से घसीट के मारना है। इस तरह से हम अपने नशे काम अपनी जुबान से उसे बुरा तो कहें, अपने दिल से उसे बुरा तो कहें, लेकिन अफसोस की बात यह है ईमान के दर्जे हमारे इतने गिर चुके हैं कि इतना बड़ा सानिया होने के बाद इतनी बुरी विचेशन ड्रग्स का धंधा करने वालों को देखो, हमारी एक ही मांग है जो ये ड्रग्स बेच रहे हैं इन पे पीएसए लगाया जाए। यहाँ पे युगल मनाज सर जो एसएसपी हैं उनके अच्छे होने से तो सर्कल थमेगा नहीं। जो उनके नीचे वाला तबका है एसएचओ से लेकर नीचे सिपाही तक, वो भी उनकी तरह एक ईमानदार ऑफिसर होंगे तब जाके ये ड्रग्स खत्म होगा। ड्रग्स खत्म करना है, हमें सिविल सोसाइटी को मिलकर खत्म करना है। ड्रग्स एक ऐसी बला हमारे इस पूरे रजौरी में फैल गई है कि हमारे नौजवान जो हैं वो 25 साल की उम्र से ऊपर जा ही नहीं रहे। जो भी नौजवान मर रहा है 25 से नीचे, उसकी मौत हो रही है ड्रग्स लेके। हम ये कहना चाहते हैं जिला इंतजामिया से कि आप जल्द से जल्द ड्रग्स को खत्म किया जाए। ये मकसद है, ये एक ही इशू है, कम से कम 4-5 साल से हम इसमें काम कर रहे हैं और हमारी पूरी टीम इसमें काम कर रही है। हम बार बार जो है जिला इंतजामिया को यही रिक्वेस्ट करते हैं और यही बोलते हैं कि कई बार हमने प्रोटेस्ट किया इस मसले पे कि इसको रोकथाम लगाई जाए। कुछ अरसा के लिए इसको रोका जाता है लेकिन उसके बाद वही जो है स्ट्रीम लाइन पे आ जाता है और वही जो है उसी हिसाब से जो है दोबारा ये बेचना जो है खुलेआम बेचना शुरू कर देते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ एसएसपी साहब से कि पुलिस को जो है इसके अलग एक टीम बनाई जाए, स्पेशली जो है इस पर ड्रग्स पे काम करे, स्पेशली जो है इस ड्रग्स पे काम करे ताकि इस चीज़ को रोका जाए। इसने कई घर उजाड़ दिए और कई घरों को खोखला कर रही है और ये रुकने का नाम नहीं ले रही है। हम कितनी बार जो है इस चीज़ पे प्रोटेस्ट करेंगे, कितनी बार हम प्रॉब्लम्स वगैरह ये करेंगे। हम रिक्वेस्ट करते हैं एसएसपी रजौरी से और अपना डीसी रजौरी से कि इन पे इस पे जो है गौर किया जाए ताकि